और दोस्तों मैं हूं अमित त्यागी, लेकिन राज मेरे साथ जुड़ गया है बिग बॉस 15 के लेटेस्ट घर वाले, जो कोई और नहीं बल्कि है प्रतीक। प्रतीक को आपने बिग बॉस ओटीटी में देखा और सब जानते थे डायरेक्ट एंट्री ने मिली है इस घर में। प्रतीक, कैसा लग रहा है उस घर से, ओटीटी वाले घर से आप बिग बॉस 15 के घर में जा रहे हैं? तो आई थिंक नए डायनेमिक्स है, नए घर वाले हैं। व्हाट आर यू अप टू नेक्स्ट? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चीज कमाई गई है, तो इस चीज की कदर बहुत ज्यादा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे 6 हफ्ते रह के इस चीज को कमाया है। उस ट्रॉफी को छोड़ के, उस प्राइज मनी को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैंने ये चीज कमाई है, और इस चीज को मैंने वहां से लेके मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस चीज की बहुत कदर है मेरी जिंदगी में, इसलिए। जी, तो प्रतीक ये बताएं कि कैसा रिएक्शन मिला जब आप बाहर जितने पीरियड पे ओटीटी खत्म होने के बाद आए, तो लोगों ने कैसे आपको रिएक्ट लिया, कितना आपको बिग बॉस ओटीटी ने दिया? मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मतलब मुझे पता था कि बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बट मेरी बहन ने शो में आके बोला था कि प्रतीक तू हैरान हो जाएगा बाहर आके कि तेरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना लोग प्यार कर रहे हैं, कितना लोग तुझे पसंद कर रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि मैं तब से उस बात को लेकर सोच ही जा रहा था कि यार वो आई थी मेरे ख्याल से 5th वीक में, और मैं पूरे उसके एंड तक सोच रहा था कि यार उसने मेरे को बोला कि हैरान हो जाएगा, और मैं एक्चुअली जब से बाहर आया हूँ मैं हैरान हूँ, मुझे होश ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं होश में हुई ही नहीं, क्योंकि इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना मुझे इतना लोग मुझे चाह रहे हैं, मुझे इतनी खुशी है इस बात की, मैं क्या बताऊं, मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता इस चीज को यार, क्योंकि आई एम जेन्युइनली वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, लोगों ने इतना मुझे पसंद किया है, कुछ तो मैंने सही किया होगा, आई एम श्योर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जान के कि यार लोगों ने मुझे इतना प्यार किया है यार। जी, तो कितना मुश्किल था उस घर में रहना, यानी आपका हमने हर तरह का रूप देखा, और उस शो से क्या सीखा आपने जो आप इस नए घर में आप इस्तेमाल करने वाले? मैंने बस एक चीज सीखी है, और मैं हमेशा सीखते आया हूँ ये चीज, कि अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई कैसा भी है। अब मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना इमोशनल हो जाऊंगा कई चीजों में, मतलब मुझे पता था कि मैं इमोशनल हूँ, बट मैंने अपनी इमोशंस को और एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हाँ मैं अगर गुस्सा भी करता हूँ तो बहुत एक्सट्रीम करता हूँ, अगर मैं हंसता भी तो बहुत एक्सट्रीम हंसता हूँ, मैं रोता भी तो बहुत एक्सट्रीम रोता हूँ, और मैंने हर चीज को एक्सेप्ट किया है, और मैं मानता हूँ कि अब आगे भी जो भी है सब कुछ, हर चीज मैं एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ, जो जैसा होगा उसके साथ मैं वैसा ही हूँ। मैंने day 1 पे ये बात बोली थी कि मैं कर्मा हूँ, अभी ये बात को लोगों ने बहुत गलत तरीके से भी लिया, बट मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि किसने क्या लिया, बट मैंने सच बोला, अच्छे के साथ मैं अच्छा था, बुरे के साथ मैं बुरा था, और मैंने किसी अच्छे के साथ बुरा नहीं किया या बुरे के साथ अच्छा नहीं किया, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, और मैं वैसा ही यहाँ पे रहूंगा, बिल्कुल रियल और ऑनेस्ट। प्रतीक, कुछ पुराने लोग होंगे अब इस घर में जो आपके साथ ऑलरेडी थे, और कुछ नए लोग जुड़ेंगे, तो क्या लगता है पुराने रिश्तों के साथ कैसे डायनेमिक्स होंगे, और नए रिश्तों के कितने खुलेआम से आप स्वीकार करेंगे? Amit is not aware of the people who will be participating from the previous isolation. Yeah, तो मेरा सवाल ये है कि पुराने रिश्ते आ रहे हैं साथ साथ नए रिश्ते जिनके बारे में आप जानते नहीं है, लेकिन पुराने रिश्तों के क्या डायनेमिक्स होंगे? मतलब वही एक एक कहते हैं ना कि जब हम किसी नए उसमें जाते हैं तो पुराने लोग भी आपके साथ चलेंगे ना कुछ? अब पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बट मुझे इतना पता है कि वो नई परिस्थितियां हैं, नई सिचुएशंस हैं, वहां पे नई इक्वेशंस होंगी, कोई कैसा भी हो मैं ऐसा मन में अभी कुछ लेके नहीं चल रहा हूँ, वहां पे पहुंच के पता लगेगा कि कौन कैसा है और उसके साथ मैं कैसा आऊंगा, जो भी सिचुएशन होंगी वो वहीं पे देखी जाएंगी, यहाँ से मैं कुछ सोच के नहीं चल रहा, ये आखिरी दिन है मेरे, पता नहीं मतलब सॉरी जो भी है मतलब कुछ ही दिन रह गए हैं वहां जाने से पहले, और मैं अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर चुका हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा किसी के बारे में भी, जो आ रहे हैं वो आ जाएं, जो जा रहे हैं वो चले जाएं, मैं मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एकदम ऐसा कि, और मैं एक बात सोच रहा हूँ कि व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, और कोई ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज की डेट में जो मुझे मार सके या मुझे गिरा सके, मैं खुद ही हूँ जो अपने आप को गिरा सकता हूँ या उठा सकता हूँ और तोड़ सकता हूँ या जोड़ सकता हूँ, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता यार। आपने पिछले जो रियलिटी शोज किए, जो ये स्प्रिट्सविला, रोडीज, एस ऑफ पेज, इस तरह के शोज होते हैं, कितना वो आपको ग्रूम और पक्का कर देते हैं जो बड़ा जो बाप ऑफ द शो बिग बॉस इज उसके लिए, क्योंकि अभी हालिया बहुत सारे शो आने लगे हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स वहां से, ये जो रोडीज, स्प्रिट्सविला, लव स्कूल, एस ऑफ पेज या कोई भी जो रियलिटी शोज हैं वो और बिग बॉस बहुत अलग अलग है, क्योंकि बिग बॉस में 24 घंटे आपके आसपास कैमरा होते हैं और आपको हर चीज अपनी खुद करनी पड़ती है, एक एक चीज, कपड़े धोने से लेके खाना बनाने से लेके सब कुछ, तो बहुत फर्क है उनमें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां से करके आके यहाँ पे भी एडवांटेज है, यहाँ पे एक सिचुएशन, एक बंद एरिया में एक इंसान किस माहौल में कैसे जीता है, कैसे हैंडल करता है अपनी सिचुएशंस को, कैसे हर चीज को कैसे हैंडल करता है, वो कम्प्लीटली उसके हाथ में होता है, और वो सही भी कर सकता है गलत भी कर सकता है, वो कम्प्लीटली उसके हाथ में होता है, और वो जो है एक अलग ही माहौल होता है, और वो मैं एक बात कहूंगा कि वो एक इंसान तभी समझेगा जब वो वहां पे रहेगा, और जो बाहर से देखते हैं
उनको वो बात तब तक नहीं समझ में आएगी क्योंकि वो बहुत ही अलग माहौल होता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर उसके उस सिचुएशन में भी कोई इंसान सच्चा और ऑनेस्टी से हर चीज करके बाहर निकले तो उससे बड़ा विनर कोई नहीं है, चाहे वो ट्रॉफी जीते या ना जीते, वो दिल जीत चुका है मेरे को लगता है यार। और वो दिल उसको, उसके सारे लोग सपोर्ट करेंगे आई एम श्योर, अगर कोई भी इंसान ऐसे ऑनेस्टी से इन सिचुएशन में भी बाहर निकलेगा। जी हाँ, आपके बारे में ये कहूंगा, आप बाजीगर थे, मतलब यू नो आपने मतलब जीता भले ना हो लेकिन आपने बहुत सारे दिल जीत लिए। आई एम श्योर अब जो बाजीगर बन के आप इस शो में भी दिल जीतेंगे। ऑल द बेस्ट प्रतीक, एंड यू रियली प्लेड वेल एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, दैट मींस अ लॉट। प्रतीक गुड बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।